छठे नवरात्र में दुर्गा के कौन रूप की पूजा होती है? षष्ठम कात्यायनी तिथ, षष्ठम कात्यायनी च। छठे नवरात्र में कौन की पूजा होती है? कात्यायनी मैया की। कात्यायनी मैया का नाम कात्यायनी क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि इस रूप में कात्यायन ऋषि के घर मैया ने जन्म लिया था। कात्यायन ऋषि तपस्या किए मेरे घर आदिशक्ति बेटी के रूप में आवे, जब कात्यायन ऋषि के जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया तो जगदम्बा कात्यायनी कहलाई। और एक बात और, शक्ति पीठ है ना पूरे भारतवर्ष में 51 कहीं 52 उल्लेख कहीं 108 उल्लेख है, शक्ति पीठ है। ब्रज में भी एक शक्ति पीठ है। ब्रज में कौन सी शक्ति पीठ है? जो कात्यायनी देवी है ये ब्रज में ही है। और जहां भी शक्ति पीठ है मैया का कोई ना कोई अंग गिरा है, ठीक है ना? मैया के कान कहां गिरे? मैया के कान गिरे काशी में, नैना देवी में नेत्र गिरे, अलग अलग स्थान की महिमा है। आप जानते हैं ब्रज में मैया का कौन सा अंग गिरा? ब्रज में मैया के केश गिरे हैं, केश गिरे मैया के, इसीलिए कात्यायनी पीठ वही है। आज भी शेरगढ़ में यमुना किनारे हमारी बहनों को याद होगा जब 84 कोस में हम लोग कात्यायनी पीठ पर भी गए थे यमुना जी के किनारे, वो शक्ति पीठ है। वहां गोपिकाओं ने कात्यायनी की पूजा की है। बंधुओं कैसे पूजा की गोपिकाओं ने कात्यायनी की? क्या मांगा? कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। बंधुओं इस मंत्र को गोपिकाओं ने जपा है, ये भागवत जी का मंत्र है, ये सामान्य मंत्र नहीं है। गोपिकाओं ने कात्यायनी की पूजा की है, छठा रूप कात्यायनी का है, और छठी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, छठी भक्ति है वंदन। गोपिकाओं ने वंदन ही तो किया है। भागवत जी में हम सुनते हैं वो गोपिकाएं कोई बड़ी बूढ़ी नहीं है, देखिए भागवत जी 2.5 बरस की बच्चियां हैं, 3-3 बरस की, 4-4 बरस की बच्चियां हैं। अब जिसको इस लीला में काम दीख है उसके माथे में कचरा भरा है तो क्या किया जाए? और 2.5, 3-3, 4-4 बरस की बच्चियां हैं, पिछले जन्म के ऋषि मुनि है, तपस्या की है, हमें भगवान पति रूप में मिले, तो फिर वेद के मंत्रों ने गोपियों के रूप में उतार लिया और कात्यायनी की पूजा की। और 2.5 बरस की बच्चियां पूजा तो करनी आती नहीं है, रात को 3 बजे चली जाती हैं, यमुना जी स्नान करती हैं, और यमुना जी स्नान करके वहीं से मिट्टी इकट्ठी करके मैया की पिंडी बना लेती हैं। आज भी कात्यायनी का दर्शन करने जाइए तो वहां मैया का पिंडी रूप ही तो है, मैया की पिंडी बना लेती हैं। अब पूजा तो करनी आती नहीं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पहले फूल चढ़ा दे, फिर जल चढ़ा दे, फिर भोग लगा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, आरती कर दी, सिंदूर चढ़ा दिया, वस्त्र जैसे तैसे पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद क्या करती हैं? प्रणाम करती है। छठी भक्ति है वंदन, कात्यायनी का वंदन किया, प्रणाम किया। और पहले दिन ही गोपियों ने प्रणाम किया और क्या सोचती हैं? अभी जब मैं प्रणाम करके सिर ऊंचा करूंगी ना तो मैया प्रकट हो जाएगी और प्रकट होके मुझसे कहेगी बता बेटी तुझे क्या चाहिए, तो मैं कह दूंगी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः, मुझे नंदलाल सामरिया के रूप में प्राण प्रियतम के रूप में मिल जाए।
पहले दिन ही पूजा की है, पर श्रद्धा किस कोटि की है? अभी सिर उठा रही है, लग रहा मैया अभी बोलेगी। और मैया जब वर मांगने को कहेगी तो मैं गोपाल को मांगूंगी, लेकिन मैया तो प्रकट नहीं हुई पहले दिन। तो छोटी छोटी गोपी, हाँ वो ऋषि मुनि है ये तो सत्य है, पर अभी तो अवस्था छोटी है, अपने मन को क्या समझा। अरे कोई बात नहीं, आज मैया नहीं प्रकट हुई कात्यायनी, कल तो जरूर होंगी, अगले दिन भी करती, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक महीना पूरा हो गया। अघन मास में पूजा की है गोपिकाओं ने कात्यायनी मैया की, 30 दिन पूरे हो गए। आज तो पूरा विश्वास है कि आज तो मैया प्रकट होए के जरूर वर देगी, लेकिन मैया तो प्रकट नहीं हुई, कौन प्रकट हो गए? अरे कन्हैया प्रकट हो गए। कैसी कात्यायनी की कृपा, वर भी देने की जरूरत नहीं। जिनकी प्राप्ति के लिए कात्यायनी की पूजा कर रहे, अघन की पूर्णिमा को तो कन्हैया प्रकट हो गए। अब फिर बड़ी गंभीर लीला है, ओ बच्ची स्नान करने को गई है, भगवान ने सबके वस्त्र उठा लिए, पेड़ पे बांध दिए, खुद पेड़ पे छिप गए। अब जिसके दिमाग में कचरा भरा है वो जाने क्या क्या बोल जाते हैं। भगवान ने कपड़ा उठा लिए, उनको नग्न देखना चाहते थे फलाना, अरे उनको नहीं, भगवान संसार के हर जीव को नग्न देखना चाहते हैं। कपड़ा पहन के पैदा हुए थे माँ के पेट से कि बिना कपड़े के पैदा हुए थे? अच्छा लकड़ियों में जलेंगे तो कपड़ा पहन के संसार से जाएंगे कि नग्न जाएंगे? गोपी नहीं, भगवान हर जीव को नग्न देखना चाहते। वस्त्र तो आवरण है, तो वस्त्र क्यों चुरा लिए? कात्यायनी ने भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल आप तो मेरे भी इष्ट हो, आज इन बच्चियों के अनुष्ठान का अंतिम दिन है, मैं भी जानती हूं आप भी जानते हो क्या चाहती हैं, ये आप ही को पाने के लिए सबरे पूजा पाठ कर रही है प्रभु, लेकिन इनके अनुष्ठान में कमी है, छोटी बच्ची है ना, जानती नहीं है, वस्त्र निकाल के नहाती हैं, और अनुष्ठान में कोई कमी रह जाएगी तो मनोरथ पूर्ण होने में कमी होगी। तो हे गोविंद इनका मनोरथ पूर्ण करिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आज मैं इनके वस्त्र चुरा लूंगा, फिर क्या होगा, जब ये वस्त्र मांगेंगी तो मैं कहूंगा मुझे प्रणाम करो, वंदन भक्ति। कात्यायनी नौ दुर्गा में कौन दुर्गा है? छठी दुर्गा है, और नवधा भक्ति में छठी भक्ति कौन है? वंदन भक्ति है। भगवान कहते हैं मैं वस्त्र चुरा लूंगा, और वस्त्र नहीं दूंगा, ये घबराएंगी, मैं कहूंगा कि तुम्हें कुछ करना होगा, ये कहेंगी हमारे वस्त्र दे दो क्या करना होगा, तो मैं कहूंगा मुझे प्रणाम करो, वंदन करो, और वंदन करने पे क्या होगा? बोले भागवत जी का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनहतम नमामि हरिम परम। उन गोविंद को प्रणाम है जिनको प्रणाम कर लेने पर जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये मुझे प्रणाम करेंगी तो इनके अनुष्ठान में जो भी कमी रह गई, इनको अर्चना करनी नहीं आती थी, इन्हें ठीक से मंत्र बोलने नहीं आते थे, ये बिना वस्त्र के यमुना जी में जो भी कुछ दोष थे कमी थी, मुझे प्रणाम कर लेने पर वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, और फिर इनका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। ये चीरहरण लीला आसान नहीं है, ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुण के चीला, या बड़े बड़े गए हार, भजे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। इतना आसान नहीं, गाल बजाने में क्या जाता है? वस्त्र क्यों चुराए? वस्त्र चुराए और गोपियों ने देखा, अरे हम तो तट पे कपड़ा रख के गए, कहां चले गए? सर्दी के दिन शरीर कांप रहा है, अरे पूजा में देर हो जाएगी, कपड़े कहां गए, कपड़े कहां गए, कपड़े कहां गए? तभी देखा चीर घाट से श्याम सुंदर की बंसी की ध्वनि आ रही, ये कहां से आवाज आई? तभी भगवान के चरण दिखाई दिए। ठाकुर जी क्या कह रहे,
अरे क्या कहने, आज तो इस चीर बट पे कैसे रंग बिरंगे फूल लगे हैं। भगवान ने सबके वस्त्र बांध दिए डालों पे, देखो कैसे रंग बिरंगे फूल लगे, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, काले रंग का, गुलाबी रंग का, कैसे फूल लगे हैं रंग बिरंगे। गोपियों ने जो देखा थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, अरे ये तो वस्त्र वहां टंगे हैं। अरे कन्हैया ऐसा उधम करोगे, हमारे वस्त्र टांग दिए। भगवान ने कहा मुझे क्या पता, ब्रज में तो इतने बंदर हैं, कोई उठा के ले गया होगा। गोपियों ने कहा हमको पता है किस बंदर का काम है ये। अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, मैं क्यों दूं, जिसे लेने हो अपने अपने आके ले जाओ, हमने वस्त्र नहीं पहने हुए, आप ही दे दो, कुछ करना होगा। क्या करना होगा, सब प्रणाम करो, कात्यायनी से क्षमा मांगो, वंदन करो। ये छठी भक्ति वंदन है बंधु, हम लोग तो वंदन ही करना भूल गए, बड़ों को प्रणाम करना भूल गए, माता पिता को प्रणाम करना भूल गए, गुरु लोग को प्रणाम करना भूल गए, गो माता को प्रणाम करना भूल गए, हम झुकना ही भूल गए। वंदन भगवान की भक्ति है, नौवीं भक्ति है, ये नौवा नवरात्र है, ये कात्यायनी की पूजा है, प्रणाम करो मुझे। और जब सबने प्रणाम किया, आहा पढ़िए भागवत जी, भगवान ने वस्त्र दिए, सोचिए हजारों लाखों गोपियां हैं, और जब भगवान ने वस्त्र दिए तो जिसके वस्त्र थे उसी के शरीर पे जाके गिरे। नहीं इतने वस्त्र जब मिल गए तो क्या पता किसकी चुनरी, किसका लहंगा, किसकी फरिया, पर जब वस्त्र लौटाए प्रभु ने तो जिसका वस्त्र था उसी के शरीर पे जाके गिरा। बोले वस्त्र लिए और दिए इसका अर्थ क्या है, बोले जब भगवान ने वस्त्र उठाए थे तो सामान्य वस्त्र थे, और जब भगवान ने छू के वस्त्र दिए तो वस्त्र दिव्य कर दिए, देह को दिव्य कर दिया। दिव्य क्यों कर दिया, क्योंकि सामान्य शरीर से रासलीला में प्रवेश नहीं होगा, दिव्य शरीर से भगवान की लीला में प्रवेश होगा। दिव्य कर दिया, और तब ठाकुर जी गए, और फिर गोपियां जल्दी जल्दी वस्त्र पहन के, हमारी पूजा रह गई, पूजा का फल तो मिल गया, तो पूजा रह गई, पूजा रह गई। जो कात्यायनी की पूजा करने गई हैं, तो कात्यायनी को क्या कहा, ये छठा नवरात्र तो व्रत की गोपियों ने मनाया है बंधुओं, वंदन किया, और क्या कहा कात्यायनी मैया को, हमें श्याम से मिलाए देव दुर्गे माँ, 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 हमें हरि की बनाए 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 देव दुर्गे माँ, हमें श्याम से जय हो, घन श्याम से जय हो, हमें श्याम से मिलाए देव दुर्गे माँ, 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 मेरी बिगड़ी बनाए 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 देव दुर्गे माँ, मोहे श्याम से जय हो, गोपाल से जय हो, नंदलाल से मिलाए देव दुर्गे माँ, नंदलाल से मिलाए देव दुर्गे माँ,
आगिन बनाए देओ दुर्गे माँ, हाँ सुहागिन बनाए देओ दुर्गे माँ। आ मोहे श्याम से प्राणपति से मिलाए देव दुर्गे माँ, प्राणपति से मिलाए देव दुर्गे माँ। वंदन की ना वंदन किया है देवी का छठा रूप कात्यायनी का है, और नवधा भक्ति में छठी भक्ति वंदन भक्ति है। कात्यायनी की कृपा से गोविंद के चरणों में वंदन होता है, और वंदन करे से जीव का बंधन नष्ट होता है। प्रतिदिन प्रणाम करे, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गो माता को प्रणाम करिए। और प्रणाम करने की रीति क्या होती है जानते हैं आप? दंडवत प्रणाम करे। अब आजकल तो सबके घुटनों में दर्द है, तो घुटना मोड़ने में ही समस्या है, तो नहीं दंडवत हो सकती तो ठीक है, हाथ जोड़ के जितना झुक सके उतना प्रणाम करे, और शरीर से संभव है तो दंडवत पंचांग प्रणाम घुटना मोड़ के जो होता है। और जिस समय प्रणाम करे, सिर को धरती पे रखा दोनों हाथ जोड़ के, उस समय भावना क्या होती है? हम जिनको भी प्रणाम कर रहे हैं, राधा रमन जी को, सीता राम जी को, भोला नाथ को, जगदम्बा को, जिनको प्रणाम कर रहे हैं, भावना क्या होती है कि मेरा माथा इष्ट देव के चरणों पर रखा है। भले वो रखा जमीन पे है दूर, लेकिन भावना क्या है? इष्ट देव के चरणों पर मेरा माथा रखा है। और भीतर क्या बोला जाता है? राधा गोविंद देव के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरु महाराज का प्रणाम। सेवा में अंगीकार कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम और मेरे गुरुदेव का प्रणाम, तब प्रणाम पूरा होता है। माँ बाप का प्रणाम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये शरीर माँ बाप ने दिया है, शरीर तो माँ बाप ने दिया है ना, तो जब तक ये शरीर है तब तक माँ बाप का कर्जा है। जब तक ये शरीर है, शरीर तो उन्होंने दिया है, तो मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, और ये ज्ञान किसने दिया मुझे? गुरुदेव ने दिया है। तो मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरुदेव का प्रणाम। अपराध क्षमा करिए, सेवा में अंगीकार करिए, चरणों की सेवा दीजिए। वंदन भक्ति है छठी दुर्गा कात्यायनी मैया, वंदन भक्ति है। गोपांगनाओं ने वंदना की है बंधुओं,
ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।